नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए कोमा बी एंड सी कोमा डी सबटेंड एट अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, समझ में आ रहा है? मतलब क्या करते हैं, इन दोनों को पॉइंट वे दी एट मिलाया जाए तो वो ओरिजिन पर मिलता है, देन विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपके पास देखते हैं कि दो पॉइंट किस तरह से दिए हुए हैं। पहला पॉइंट जो है मेरे पास ए कोमा बी है, हमने मान लिया कि ये रहा ए, ए कोमा बी। सेकेंड जो पॉइंट है आपको सी कोमा डी रखा है, वो हमने मान लिया कि सी कोमा डी यहाँ है, सी कोमा बी पॉइंट। अब क्या कहता है कि यदि इन दोनों को मिलाया जाए ओरिजिन से, मतलब ये और ये, तो ये जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको ओ मान लें, इस बी को मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, समझ में आ रहा? ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया। आगे चलते हैं, वापस देखते हैं, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी सबटेंड इन द राइट एंगल एट द ओरिजिन, देन द विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो आप मान लें कि ओ जो है मेरे पास कितना है, 0.0 है, कितना है 0.0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ए बी का स्क्वायर जब मैंने किया तो आप मेरे पास कितना आ रहा है, ए माइनस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ऑफ डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए जब निकाल रहा हूँ मैं तो कितना आ रहा है मेरे पास, ए माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब ओ बी निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, बोलिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ टू ए सी माइनस ऑफ टू बी डी, कोई दिक्कत? आगे देखिए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मेरे पास कैंसिल हो गए चारों, तो आपके पास क्या बचा, माइनस का, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ टू ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, जो माइनस का टू है वो तो जीरो में चला गया, यानी आपके पास कितना हो गया, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, यानी आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू जीरो, या फिर ए सी इज इक्वल टू माइनस का बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में देखा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ए बी प्लस बी डी है इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, नोट कीजिए।